हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल इन टूडेज वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू टॉक ऑन एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल विच इज ए पैरासाइट क्लियर एंड इट्स कॉमन नेम इज वॉम, क्लियर इसका कॉमन नेम है वॉम और जो साइंटिफिक नेम है दैट इज इन्साइलोस्टोमा ड्यूडेनेल क्लियर तो दोस्तों ये जो पेरासाइड होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं और पिंकिस इन कलर होते हैं पिंकिस या ग्रेस वाइट टाइप के होते हैं क्लियर और इनकी जो एंटीरियर एंड होता है राइट right? ये सपोज ये इंटीरियर एंड है एंटीरियर एंड आपका कर्व्ड होता है लाइक दैट क्लियर कर्व होता है डोरसली पीछे की तरफ को कर्व होता है दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हुक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है इनके uh, जो आगे का पार्ट है उस पे हुक की तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट्स व्हाई दे आर नॉन एज हुक वॉर्म राइट ओरल कैविटी की अगर बात करें तो इनकी ओरल कैविटी में आपके चार हुक की तरह के दांत होते हैं टीथ क्लियर uh, कहां पे ऑन वेंट्रल सरफेस वेंट्रल सरफेस पे चार हुक लाइक -like टीथ आपके प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल सरफेस पे क्लियर और दो नोब लाइक टीथ आपके प्रेजेंट होते हैं ऑन सरफेस क्लियर मेल्स आपकी ज्यादा बड़ी होती हैं सॉरी मेल्स आपकी छोटी होती फीमेल्स के कंपैरिजन में क्लियर फीमेल्स का साइज आपका ज्यादा बड़ा होता है यानी कि फीमेल आपकी लॉन्ग होती है और मेल्स थोड़ा उससे छोटी होती है क्लियर मेल्स की अगर लेंथ की बात करें तो मेल्स की लेंथ होती है 8 टू तो 11 मिलीमीटर mm होती है विद कॉपुलेटरी बर्सा इनके पोस्टीरियर एंड पे एक कॉपुलेटरी बर्सा प्रेजेंट होती है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करती है राइट अभी हम जब आगे लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा क्लियर फीमेल्स आर 10 टू तो 13 मिलीमीटर इन लेंथ विद वल्वा एट पोस्टेर एंड इनकी पोस्टेर एंड पे वल्वा प्रेजेंट रहती है राइट जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करती है ये जो आपका मेल्स में कॉपुलेटरी बरसा है ये कॉपुलेटरी बरसा आपकी आ, इंजेक्ट होती है कहां पे वल्वा पे ताकि कॉपुलेशन हो सके राइट अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की किंगडम है एनिमेलिया फाइलम इज नीमेटोडा क्लास इज क्रोमेडोरिया ऑर्डर रेबडिटीडा

थर्टी एट में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था इटालियन फिजिशियन जिनका नाम है ड्यूबिनी ड्यूबिनी जिनका नाम था इन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था ऑटोप्सी के दौरान जब ये एक वुमेन की ऑटोप्सी कर रहे थे तो उसके दौरान उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया राइट अगर इसके हैबिटेट की बात करें इस पैरासाइट की तो इसका जो एडल्ट फॉर्म है यानी कि एडल्ट वॉर्म आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूमन बींग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है नॉर्मली और किस पार्ट में ज्यादातर ये जेजुनम पार्ट में ज्यादातर मिलता है राइट और लेस ऑफन इन द ड्यूडेनियम एंड रेयरली इन द इलियम क्लियर तो ये हैबिटेट की बात है मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी बेसिकली तीन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है एक तो आपका एडल्ट फॉर्म एडल्ट फॉर्म सेकेंड एग एक्स राइट और थर्ड वन इज लार्वा फॉर्म क्लियर तो ये तीन मोर्फोलॉजिकल फॉर्म में आ, ये आपका रहता है आ, इनी से इसकी क्या होती है ये जब लाइफ साइकिल पे हम अभी डिस्कस करेंगे तो ये तीनों जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है ये आपकी कैसे डेवलप होती है उसको हम डिस्कस करेंगे राइट एडल्ट वॉर्म की बात करें तो दो तरह के वॉर्म होते हैं एक तो मेल्स मेल एडल्ट फॉर्म और दूसरा फीमेल क्लियर एक्स आपके सेगमेंटेड होते हैं सेगमेंटेड एक्स होते हैं क्लियर और ये एक्स आपके इलिप्टिकल के होते हैं राइट right? जिनकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली सिक्स सिक्सटी माइक्रोमीटर इनकी लेंथ है और अगर चौड़ाई की बात करें व्यर्थ की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली फोर्टी माइक्रोमीटर की व्यथ होती है क्लियर और सेगमेंटेड होते हैं लार्वा की बात करें तो दो तरह की लार्वल फॉर्म इसमें आपको मिलेगी एक तो रेबडिटी फॉर्म लार्वा रेबडिटी फॉर्म और दूसरा फिलेरी फॉर्म लार्वा, फिलेरी फॉर्म लार्वा क्लियर तो फिलेरी फॉर्म लार्वा जो होती हैं, ये जो फॉर्म है लार्वा की फिलेरी फॉर्म ये आपकी इंफेक्टिव होती है ह्यूमन बींग्स के लिए ये इन्फेक्टिव फॉर्म है इन्फेक्टिव लार्वा राइट और रेब्रिटी फॉर्म ये नॉन इन्फेक्टिव होता है क्लियर तो लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे अब बात करते हैं दोस्तों लाइफ साइकिल की एन्साइलोस्टोमा डुडेनल की लाइफ साइकिल की तो जैसा कि आपको पता है कि जो एडल्ट वर्म है दो तरह के एडल्ट वर्म आपके होते हैं एक तो मेल दूसरा फीमेल मेल जो एडल्ट वर्म है वो आपका फीमेल के कंपैरिजन में इसकी लेंथ आपकी छोटी होती है और जो फीमेल है वो आपका थोड़ा लंबा होता है लॉन्ग होता है इसकी लेंथ ज्यादा होती है राइट तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टीन में अटैच्ड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दियर माउथ पार्ट्स माउथ पार्ट्स के थ्रू ये वहां पे अटैच रहते हैं माउथ पार्ट में जैसे देखिए अगर बक्कल कैप्सूल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने आपको बताया था कि टीथ प्रेजेंट रहते हैं चार तो आपके वेंट्रली होते हैं और दो आपके डोरसली होते हैं राइट तो जो वेंट्रल टीथ होते हैं वो आपके कैसे होते हैं दे आर हुक लाइक क्लियर और जो डोर्सली होते हैं वो नोब लाइक होते हैं क्लियर तो इन टीथ की हेल्प से इन माउथ पार्ट की हेल्प से ये जो आपका एडल्ट वॉम है दोनों मेल और फीमेल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैच्ड रहते हैं क्लियर और वहां पे इन दोनों के बीच क्या होता है कॉपुलेशन होता है कॉपुलेशन किसके थ्रू होता है मेल में जो आ, 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 आपकी कॉपुलेटरी बरसा प्रेजेंट है राइट right? मेल बॉडी में में आपका क्या है कॉपुलेटरी बरसा प्रेजेंट है। और फीमेल आपकी ये जो आप देख रहे हैं वलवल ओपनिंग या वलवा हम इसको बोलते हैं तो यहां से ये जो कॉपुलेटरी वर्षा है आपकी इस वलवा में आपका आ, एंटर करता है और इन दोनों में कॉपुलेशन स्टार्ट होता है राइट right फिर आपका क्या करता है ये जो फीमेल बॉडी है फीमेल आपका इसमें आपके एग डेवलप होते हैं राइट एग डेवलप होते हैं तो याद रखिएगा कि एक फीमेल एडल्ट एक फीमेल एडल्ट वॉम एक दिन में दस हजार से तीस हजार तक के एग आपकी क्या करता है बनाता है राइट दस से तीस हजार तक एग इसमें बनते हैं आपके तो ये एग फिर आपके क्या होते हैं जब ह्यूमन बॉडी जब आप अपनी फिसिस पास करता है राइट right? तो उस फिशिस के थ्रू ये आपके कहा जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्लियर तो देखिए अगर हम इसके समराइज इसके लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो लाइफ साइकिल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि आपको होस्ट पता होना है कि कितने टाइप के होस्ट होते हैं होस्ट आपके है, दो तरह के होते हैं एक तो डेफिनेटिव होस्ट दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट तो यहां पे एक ही आपका होस्ट है दैट इज डेफिनेटिव होस्ट मैन राइट इंटरमीडिएट होस्ट यहां पे कोई भी नहीं है इंटरमीडिएट होस्ट में आपकी आपको पता है कि एसेक्सुअल साइकिल आपकी रन करती है और डेफिनेटिव होस्ट में सेक्सुअल साइकिल रन करती है तो यहां पे जो एसेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है वो कहां हो रहा है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हो रहा है ठीक है तो यहां पे कोई होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है जो एसेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है एक् का जो डेवलपमेंट हो रहा है एक्ट जब आपका लार्वल फॉर्म में डेवलप हो रहा है वो आपका कहां होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में और जो सेक्सुअल साइकिल है वो आपकी मेन में आ, या ह्यूमन बीइंग में आपकी क्या होती है रन करती है इसीलिए मेन इज द डेफिनेटिव होस्ट तो इसका सिर्फ एक ही होस्ट है राइट right? क्लियर तो हम यहां बात कर रहे थे कि एग आपके बन गए ठीक है तो फिशेस के थ्रू एग आपके कहा आ जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट में यानी कि सॉइल में आ जाते हैं Killer. तो ये एग कैसे है आपके दे आर सेगमेंटेड एक्स आर हैविंग सेगमेंटेड ओवम इनमें क्या है सेगमेंटेड ओवम प्रेजेंट ये जो आप देख रहे हैं देखिए ये जो आप चार ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दे आर ब्लास्टोमेयर्स ब्लास्टोमियस सो दिस ओवम इज हैविंग फोर ब्लास्टोमियर्स देन ये स्टेज आपकी फिर क्या होती है ये एग आपका इट अंडर गो डेवलपमेंट ठीक है तो एक से दो दिन में एक से दो दिन में ये एग आपका पूरी तरह से डेवलप होके किस फॉर्म में चला जाता है इसके अंदर क्या बन जाता है इस ओवम के अंदर इसमें इस, 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 इस एग के अंदर क्या बन जाता है लार्वा आपका डेवलप हो जाता है विद इन वन टू टू डेज ठीक है एक से दो दिन में है. और यू कैन से विद इन ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स राइट तो ये फोर ब्लास्टोमेयर से आपकी ये स्टेज बनी ठीक है मोरूला आपका बन गया बहुत सारे ओवम आपके बन गए राइट बहुत सारे ब्लास्टोमेयर सा आपके बने ठीक है बहुत सारे ब्लास्टोमेयर बने तो ये मोरूला स्टेज आ गई देन फिर ये आपका क्या बन गया आपका आ, लार्वल फॉर्म आपकी डेवलप हो जाती है क्लियर तो फिर ये लार्वा आपका हैच आउट होता है Killer. तो एक से दो दिन में जब ये डेवलप हो जाता है तो ये फिर आपका ये लार्वा आपका हैच आउट होना शुरू हो जाता है ठीक है यानी कि इससे इस से, सेल है इस सेल को तोड़ते हुए ये कहा जाता है बाहर आ जाता है ठीक है बाहर आ गया ठीक है तो जो ये लार्वा आपका बाहर आया जो पहला लार्वा आपका बाहर आया ये दिस लार्वा इज नोन एज रेपिटी फॉर्म लार्वा क्लियर तो ये फॉर्म लारवा इस, इसकी लेंथ आपकी छोटी होती है इसकी लेंथ होती है टू फिफ्टी अप्रोक्सीमेटली टू फिफ्टी माइक्रोमीटर का ये आपका रहता है और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं राउंडेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ईसोफेजियल बल्ब इसको क्या बोलते हैं बल्ब क्लियर तो पांच से दस दिन में अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो मोल्टिंग होती है यहां पे इस रेब्रिटी फॉर्म लार्वा में दो मोल्टिंग होती है एक तो थर्ड डे में दूसरा फिफ्थ डे में ठीक है ट्वाइस मोल्टिंग होती है ठीक है दो बार इसमें मोल्टिंग होती है आपकी एक तो थर्ड डे में दूसरी फिफ्थ डे में आपकी इसमें मोल्टिंग होती है राइट देन इट कन्वर्ट्स इन फिलेरी फॉर्म

इसकी लेंथ आप खुद देख रहे हैं कि ये लेंथ में क्या है बड़ा है तो इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली फाइव टू तो सेवन माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है क्लियर तो इसमें जो ये रेबडिटी फॉर्म लार्वा में जो ईशोफिजियल बल्ब आप देख रहे हैं वो फिलरी फॉर्म लारवा में डीजेपियर हो जाती है क्लियर और इसमें पूरी तरह से जो आपका ईश्यो फिगस है फिगस इसमें क्या हो जाता है डेवलप हो जाता है ठीक है डेवलपमेंट ऑफ ऑफेगस तो ये फिलरी फॉर्म लारवा दिस इनफेक्टिव फॉर्म ह्यूमन बींगस राइट अब ये कहां प्रेजेंट है ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट है सॉइल में प्रेजेंट है राइट right? और ये फर्दर फीडिंग नहीं करता कहीं भी ठीक है और ये आपका आ, बहुत लंबे समय तक इन्फेक्टिव बना रहता है ठीक है अप्रोक्सीमेटली अप टू to सिक्स up वीक्स to तक ही आपका इन्फेक्टिव फॉर्म में रहता है ठीक है इट रिमेन्स इंफेक्टिव अप टू सिक्स वीक्स क्लियर राइट तो जब कोई ह्यूमन बीइंग या हम कहें कि जो लोग खेतों में काम करते हैं फार्मर्स बहुत ज्यादा खेतों पे काम करते हैं तो वो बेयर नंगे पैर जो है खेतों में चले जाते हैं सॉइल पे चले जाते हैं ठीक है या फिर हाथों से खेतों पे बहुत काम करते हैं मिट्टी पे बहुत काम करते हैं ठीक है मिट्टी खोदना या इस तरह का बहुत काम करते हैं ठीक है तो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं राइट तो या तो फूट के थ्रू फूट में कहा बिटवीन टोज टोज के बीच में जो सॉफ्ट स्किन होती है या फिर हैंड में भी जो आप जब आप देख रहे हैं फिंगर्स के बीच में जो ये स्किन है पैर में भी ठीक इसी तरह ठीक है तो इनके बीच से अ, ये क्या करता है एंटर करता है इन इस स्किन पे ये क्या करता है एंटर करता है ठीक है राइट right? तो यहां से एंटर करने के बाद जब ये आपका पहुंचता है कहां सबक्यूटेनियस टिश्यूज में पहुंचता है स्किन को पियर्स करते हुए ठीक है कौन सा लार्वा फिलेरी फॉर्म लारवा स्किन को पियर्स करते हुए कहां पहुंचा जब आपका सबक्यूटेनियस टिश्यूज पे पहुंचा तो ये आपका फिर कहां एंटर करता है लिम्फेटिक में एंटर करता है टिश्यूज से ये आपके लिंफेटिक्स में एंटर करता है के फिर करता है आपका सर्कुलेशन पे ठीक है पहले penetrate है से, फिर आगे आपका circulation पे, ठीक है venous circulation पे, ठीक है? अब वीनस सर्कुलेशन में थ्रो द सुपीरियर एंड इनफीरियर वेनाकेवा ये कहा एंटर करेगा आपके हार्ट पे एंटर कर जाता है ठीक है कौन से साइड पे कौन से चैम्बर पे आ, राइट uh, चैंबर right पे ठीक है राइट right हार्ट पे आपका राइट right चैम्बर पे हार्ट के राइट right चैंबर पे आपका एंटर करेगा और फिर वहां से आपका पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू ठीक है पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू कहां पहुंचता है आपका लंग्स uh, पे पहुंचता है ठीक है यानी कि एल्व्यूलर स्पेस uh, पे आपका एंटर कर जाता है ठीक है तो एल्व्यूलर स्पेस पे कब एंटर करेगा जब आपकी वो पल्मोनरी कैपिलरीज का क्या करेगा ब्रेकडाउन करेगा पल्मोनरी कैपिलरीज आपकी ब्रेक थ्रू होती हैं टूट जाती हैं फट जाती हैं तो वो पल्मोनरी कैपिलरीज से फिर ये आपका कहां एंटर करता है एल्व्योलर स्पेस पे एंटर करता है ठीक है राइट right? फिर वहां से आपका एल्व्योलाई से आपका कहां एंटर करता है फिर ये ये माइग्रेट करता है ब्रोंकाई पे ठीक है ब्रोंकाई पे माइग्रेट करता है और फिर कहां पहुंच जाता है आपका ट्रेकिया एंड लेरिंग्स में पहुंच जाता है ठीक है ट्रेकिया एंड लेरिंग्स में फिर इधर से आपका कहा मूव uh, करता है uh, ये माइग्रेट करता है फेरिंग्स की तरफ राइट right? तो जब ये लेरिंग में आता है देन फिर यहां पे एपिग्लॉटिस में इसकी क्रॉलिंग होती है ठीक है तो क्रॉलिंग होते हुए रेंगते हुए ये आपका वापस फिर क्या हो जाता है सोलो होके अगेन फिर आपका इंटेस्टीन में एंटर कर जाता है ठीक है तो यहां पे जब ये इसकी सोलोइंग हो रही है जब सोलो हो रहा है तो जब ये ईसो पे पहुंचता है तो यहां पे इसकी थर्ड और फोर्थ मोल्टिंग आपकी स्टार्ट होती है तो थर्ड और फोर्थ मोल्टिंग में ये जो आपका लार्वा फॉर्म है ये आपकी एडल्ट वॉर्म में क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है तो फिर अगेन आपका जो एडल्ट वॉर्म है वो कहाँ चला जाता है इंटस्टीन में चला जाता है राइट right, और वहां इंटेस्टीन में फिर अगेन ये अपने माउथ पार्ट की हेल्प से वहां पे अटैच हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं और फिर मेल जो एडल्ट वॉम है वो फीमेल को आपका फर्टिलाइज करता है तो ये आपका फर्टिलाइज एग फिर रिलीज करता है थ्रू फीसिस और साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है क्लियर बात सुनना आई तो इन अबाउट सिक्स वीक्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इन्फेक्शन एडल्ट वॉम बिकम सेक्सुअली मेच्योर राइट तो इन्फेक्शन इन्फेक्शन infection करने के सिक्स वीक बाद ठीक है विद इन सिक्स वीक्स ये जो आपके वॉर्म है एडल्ट वॉर्म है ये सेक्सुअली आपके मेच्योर हो जाते हैं देन फिर फर्टिलाइज होके ये आपका एग रिलीज करते हैं फर्टिलाइजेशन right? के बाद राइट क्लियर तो साइकिल आपकी इस तरह से फिर रिपीट होती रहती है तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एनसाइलोस्टोमा ड्यूडोनल बहुत इजी तरह से मैंने इसको समझाने की कोशिश की आई होप कि आपके समझ में ये लाइफ साइकिल आएगी क्लियर एनसाइलोस्टोमा ड्यूडोनिल की पैथोजेनेसिस की अगर बात करें तो दोस्तों पैथोजेनेसिस आपकी दो वजह से होती है एक तो माइग्रेटिंग लार्वा की वजह से दूसरा एडल्ट वॉर्म की वजह से राइट right? तो माइग्रेटिंग लार्वा आपकी दो तरह की पैथजने शो करती है एक तो है आपका इंसैलोस्टोमा डर्माटाइटिस और जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड ईच दूसरा पल्मोनरी लीजन जैसा कि आपको पता है कि जो माइग्रेटिंग लार्वा है वो स्किन से आपका पेनिट्रेट करता हुआ लंग्स तक जाता है ठीक है तो जब स्किन पे स्किन से ये एंटर किया तो ये क्या कॉज करता है इंटेंस ईचिंग कॉज करता है ठीक है तो जिस साइड पे से एंटर किया है वहां पे ईचिंग होती है बहुत ज्यादा ठीक है और बर्निंग सेंसेशन होता है बहुत जलन सी होती है ठीक है उसके बाद ये आपका फिर आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है तो एरिदमा और उसके बाद फिर एडिमा फॉर्मेशन हो जाती है फिर कुछ समय बाद ये एडिमा आपका कन्वर्ट हो, हो जाता है ये डेवलप हो जाता है पैपुलर एंड वेस्कुलर इन में डेवलप हो जाता है क्लियर ऐसा ज्यादातर वैसे इसके केस में के केस में बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा ज्यादातर आपका दूसरे के केस में देखने को मिलता है राइट जैसे नेकेटर अमेरिकेनस है उसके केस में ज्यादातर देखने को मिलता है दूसरे आपके हैं पल्मोनरी लेजेंस बन जाते हैं जब आपका आ, जो लार्वा है वो आपका एंटर करता है कहा पे पल्मोनरी कैपिलरीज का ब्रेक थ्रू करके जब ये कहा एंटर करता है आपका एल्विलाई पे एंटर करता है तो वहां पे ये ब्रोंकाइटिस और ब्रोंको निमोनिया कॉज करता है ठीक है तो इस स्टेज पे इसलिया मार्क्ड इसलिया देखने को मिलती है क्लियर दूसरा है एडल्ट वोम की वजह से जो पैथोजेनेसिस आपकी होती है दोस्तों देखिए आपको पता है कि एडल्ट वोम इंटेस्टीन में आपका अटैच रहता है तो वहां पे ये क्या करता है डेली टू एम एल ब्लड ये अप्रोक्सीमेटली पॉइंट टू एम एल या इससे ज्यादा भी आपका आ, सक करता है ठीक है डेली राइट right? तो जिससे क्या होता है जिससे आपका खून की कमी होने लगती है उस स्टेज को हम बोलते हैं एनीमिया ठीक है तो उसका और दूसरा रीजन और है कि ये जब आपका उस इंटेस्टिनल वॉल से आपका अटैच रहता है तो वहां पे सिक्रीस जो एक आ, करता है उन सिक्रीस में एंटीकॉगुल एंटीकॉगुलेट्री एक्टिविटी होती है ठीक है तो यह आप कह सकते हैं कि उन सेक्रेशन में आपके क्या प्रेजेंट है एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट है तो एंटीकोगुलेंट्स का, का काम क्या है वो आपको पता है कि uh, उनका काम क्या होता है वो आपके ब्लड क्लॉटिंग को क्या करते हैं इनिविट करते हैं ठीक है थीके? तो कहीं पर अगर आपकी ब्लीडिंग हो जाती है तो वो ब्लीडिंग आपकी कंटिन्यूसली होते रहती है ठीक है तो ये कंटिन्यूस ब्लीडिंग आपका कॉज करते हैं एंटीकोगुलेंट्स ठीक है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देते राइट right? तो ये सब होने की वजह से क्या होता है आपका एनीमिया डेवलप होता है एनीमिया किस टाइप का माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और पेशेंट आपका एपिगेस्ट्रिक क्या, 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 क्या आ, आ, पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आपके डेवलप होते हैं पेशेंट में डेवलप एपीगेस्ट्रिक पेन डिस्पेप्सिया वोमिटिंग और डायरिया ठीक है और अगर पेशेंट की स्टूल को आप ऑब्जर्व करें तो स्टूल आपकी कैसी हो जाती है रेडिस या फिर ब्लैक कलर की आपकी स्टूल बन जाती है क्लियर और कभी कभी पेशेंट की जो टंग या कंजक्टाइवा और स्किन जो है वो पेल कलर की हो जाती है ठीक है और स्किन बहुत ड्राई सी हो जाती है ठीक है हेयर्स भी आपके ड्राई पड़ जाते हैं क्लियर तो इतने सारे जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं क्लियर सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट इन साइलोस आई थिंक आपके समझ में वीडियो आया होगा अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए ज्यादा से ज़्यादा और चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करिए आइकन को जरूर प्रेस करिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए थैंक यू वेरी मच